बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, इंशाल्लाह आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सोयाबीन का स्टू। तो यहाँ पे हमने लिया था एक कप सोयाबीन, इसको गर्म पानी में भिगा के 15-20 मिनट के लिए भिगा दिया था। उसके बाद ये अच्छे से फूल गया तो मैंने इसका कट कर लिया है, 20 से 2 किया है। आप चाहिए तो 4 भी कर सकती हैं, लेकिन मैंने 2 किया है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, यहाँ मैंने काट लिया तो इसलिए ज़्यादा लग रहा है। तो एक कप हमने लिया है, और यहाँ पर हमने लिया है 4 से 5 मीडियम साइज के प्याज। प्याज इसमें ज़्यादा जाता है स्टू में, आपको पता ही होगा। और यहाँ पे हमने लिया 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हमने लिया जीरा पाउडर। ये अच्छा मसाले हैं, यहाँ पे दालचीनी है, स्टार है, छोटी बड़ी इलायची है, 3 छोटी इलायची है, 5 से 6 लौंग है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, 1 तेज़पत्ता है, 1/2 टीस्पून हमने लिया है तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून हमने लिया भर के धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हमने हल्दी लिया है। आपको चाहिए तो हल्दी डालिए, नहीं पसंद है तो मत डालिए, ठीक है, स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 1 कप टमाटर, यानी 3 बड़े साइज के टमाटर थे, हमने इसको बारीक काट लिया है। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 टीस्पून भर के हमने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये जो है तीखा नहीं होता है, सिर्फ कलर के लिए डाला जाता है। 1/2 कप हमने लिया है हरी मटर, इसमें मटर बहुत अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर बनाइएगा ये। चलिए सबसे पहले मैं इसको जो है सोयाबीन को फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने तेल रख दिया, तेल है राई का तेल है, तो मैं राई का ही इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादातर तेल वगैरह, तो मैं राई के तेल में ही बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देख लेती हूँ, मेरा तेल बन गया है, गरम हो गया है तेल, अभी कम गरम है तो कम तेज़ आँच पे ही आप जो है तेल को गरम करिए फिर डालिए, इसलिए इसमें पानी रहता ना, और तेल में जाते ही तेल अपना ठंडा हो जाएगा तो ये तेल को सोख लेगा, ठीक है। और इसको जब कट करिए तो पहले सबसे पहले पानी इसका एकदम अच्छे से निचोड़ लेने का, जैसे इस तरह से इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, बहुत थोड़ा बहुत होगा तो होगा, लेकिन बहुत पानी नहीं है इसमें। हमने इसको दबा दबा कर बहुत निचोड़ के तब कट किया है, इसमें तो पानी बिल्कुल निकाल दिया। तो यहाँ पे देखिए तेल हो गया है गर्म, मैं इसमें डाल देती हूँ। यहाँ पे देखिए सोयाबीन मेरी जो है फ्राई हो चुकी, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए मैं इसको निकाल लेती हूँ फिर आपको। यहाँ पे देखिए हमने आधा जो है फ्राई कर लिया है, आधा मैं 2 मिनट के बाद तेल में डालूंगी, ताकि तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। 1 से 2 मिनट के बाद इसमें तेल में डालूंगी, तो तेल जो है जब अच्छा से गर्म होगा तो मेरा जो है तेल बिल्कुल सोखेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट हो गया है और ये गर्म हो चुका है देखिए इसमें, और मैं डाल रही हूँ ये देखिए 1 से 2 मिनट छोड़ देने का अच्छा से तेल को, फिर वापस से गर्म होने देने का। यहाँ पे देखिए ये भी फ्राई हो गया, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने सारा तेल निकाल लिया है, इसी कलछा से हमने 2 कलछा छोड़ दिया है तेल। तो इसमें डाल दूंगी जो मेरे खड़े मसाले हैं वो डाल दूंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्याज वगैरह सब डाल देंगे, लाल हमको नहीं करना है, बस खाली जो है उसका कलर आ जाए। ये सारी चीज़ें डाल देती हूँ इसमें, मसाला वगैरह बना रहे हैं तो साथ में ये सारा चीज़ जाएगा, यहाँ पे करा जाएगा करते, और स्वाद अनुसार नमक भी डालेंगे। तो मैं दिखाती हूँ, उसमें मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ, बाद में नमक चेक करके भी डाल सकते हैं। और इसे एक साथ चला जाएगा अपना ये सोयाबीन, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला दूंगी। यहाँ पे देखिए मसालों को अच्छे से मिला दिया है हमने सब चीज़ों को, और इसमें डाल दूंगी अपना जो आधा कप हमने मटर लिया है हरी मटर, वो भी डाल दूंगी, और इसी के साथ डाल दूंगी 1 कप पानी, ताकि प्याज वगैरह सब गल जाए और पक जाए, ठीक है। चलिए इन सब चीज़ों को अच्छे से पका लेती हूँ। ये देखिए मैंने 1 कप पानी डाल दिया है, टमाटर और अपना जो प्याज ये सब भी पानी छोड़ेगा। और आप जो है तेल में सबसे पहले खड़ा मसाला जरूर डालिएगा, तो उसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है, पूरा मसाले में वो घूम जाता है, लगता है कि क्या खुशबू है, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अभी जो पका भी नहीं है और सिर्फ हमने इसको मिलाया है। तो चलिए सबसे पहले इसको ढक करके लो फ्लेम पे रख देती हूँ पकने के लिए। पे आप देख सकती हैं, ये देखिए पक रहा है, इसमें मुझे थोड़ा कम पानी लग रहा था, पहले मैंने 1.5 कप डाली थी, फिर 1 कप और डाली हूँ, तो जाके ये देखिए इस तरह से पानी जो है ये क्या है ना सोयाबीन है ये सोख लेता है। तो मैंने इसमें 2.5 कप पानी डाला है। तो यहाँ पे आप नमक चेक कर लीजिए, और अगर नमक कम लग रहा है तो यहाँ पे थोड़ा आप नमक डाल दीजिए। तो यहाँ पे मुझे नमक कम लग रहा है तो मैं थोड़ा से नमक डाल रही हूँ अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से ही रखिएगा नमक वगैरह। तो चलिए मैं इसको ढक देती हूँ और 10 से 15 मिनट और इसको पका लूँगी, और फिर इसकी भुनाई कर लेती हूँ।
यहाँ पे देखिए स्टोव की हो रही है भुनाई और इसको कस के भूनना है, इसके अच्छे से भुनाई करना है ताकि जो है तेल अलग हो जाए और ये अलग। देखिए इसकी भुनाई हो चुकी है तो अब मैं इसमें आधा कप यानी आधा गिलास पानी डाल दूँगी और इसको मैं थोड़ा सी ग्रेवी बना रही हूँ। आप चाहिए तो इतना ही रखिएगा, पानी ना डालें और मैं इसको एक तरह से इतना ग्रेवी बनाऊँगी, थोड़ा सा सलसला रखूँगी, दो से तीन मिनट और इसको पका लूँगी। बाकी ये पक चुका है। यहाँ पे देखिए हमने दो से तीन मिनट पे लो फ्लेम पे पकाया और अच्छे से ये दम पे आ गया है और ये देखिए पक चुका है, तो मैंने इसको गैस बंद कर दिया है। तो अब मैं इस पर गार्निश के लिए हरी धनिया डाली हूँ, तो मेरे पास सूखी भूखी थोड़ी सी धनिया है वो डाल देती हूँ, ये देखिए थोड़ी सी। तो यहाँ पे हमारी जो है सोयाबीन स्टू बनकर रेडी हो चुका है। तो आप इसी तरह से ज़रूर बनाइएगा और सब लोग इन्जॉय करिए, खाइए पिए, मजा करिए और कामयाब रखिए। और लाइक से कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़ प्लीज़, ये सब आपकी तरफ से मोहब्बत होती है। तो चलिए यहाँ पे मेरी वीडियो खत्म होती है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू।